वैक्सीनेटर की नौकरी, वाह। पशु विभाग की भर्ती, वाह। ये पशु विभाग की भर्ती जो वैक्सीनेटर की नौकरी है ना, हम सब मेरे जितने भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब लोग अप्लाई जरूर किए होंगे, और नहीं किए होंगे तो आप पछता रहे होंगे कि काश मैं भी किया होता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ एक गांव में एक ही आदमी की होनी थी, एक ही आदमी की, एक ग्राम सभा में सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की होनी थी। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूँ। और पता लगा कि एक गांव में कम से कम 15 फार्म पड़ गए, 15 फार्म। वहाँ के जो भी डॉक्टर हैं वो किसी एक का ही कर सकते हैं वैक्सीनेटर में, किसी एक का ही, और किसी एक सहायक को ही कर सकते हैं। लेकिन मित्र, बाकी जो 14 लोग बच गए हैं जिन्होंने फार्म डाला है और उनका सिलेक्ट नहीं हुआ है, उनको वो नौकरी नहीं मिली है, वो तो बड़े ही निराश होंगे ना। वो सोचते होंगे मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं फील कर रहा हूं, आप भी फील कर रहे होंगे शायद, यदि आपका नहीं हुआ है तो। अगर हो गया है तो आप खुशियां मना रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि मेरी नौकरी लग गई। लेकिन मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी को अलग अलग काम मिला है, हर किसी को अपना अपना रोल अदा करना है। तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम निराश क्यों हों जबकि हम जानते हैं कि मुझे ऊपर वाले ने इस धरती पर ये करने के लिए बनाया है और ये करने के लिए नहीं बनाया है। तो खुश हो जाओ, और जो भी आपका टेंशन है ना, उसको साइड करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।